नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आपको बता दूं, भारत एट नाइन के आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूं ग्राउंड पर। आज मैं इसलिए ग्राउंड पर आया हूं और इस प्रोग्राम को आज मैं इसलिए ग्राउंड से कर रहा हूं क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। खबर इतनी बड़ी है कि बीते 60 दिनों का आंदोलन, किसान आंदोलन जो लगातार चल रहा था, वो अब खत्म होने पर आया है। स्टोरी का दायंड होने वाला है। आपको बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। योगी सरकार एक्शन में है। इसके बाद डीएम का आदेश जारी कर दिया गया है कि आंदोलन को आज शाम तक या आज रात तक खत्म कर दिया जाए, वरना वो खुद से खत्म कराएंगे। ये एक तरीके का अल्टीमेटम है जो यहाँ पर डीएम की तरफ से दिया गया है। इसके बाद किसानों ने साफ कर दिया है, वहाँ मंच से नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन स्थिति बहुत नाजुक बन चुकी है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जो आरएएफ की फोर्स है, जो पुलिस की फोर्स है, वो मौजूद है, तो दूसरी तरफ मंच से नेता कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वहीं सामने जो फोर्स है, पूरी फोर्स आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स खड़ी है, तो दूसरी तरफ खड़े हैं किसान। सामने सामने दोनों स्थितियां खड़ी हुई हैं, सामने सामने दोनों परिस्थितियां भी हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो अभी हालात नहीं बताया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से जो पूरी बात कही गई है, जिस तरीके से पूरा अल्टीमेटम दिया गया है कि आज शाम तक इस पूरे आंदोलन को खत्म करना होगा, इस आंदोलन को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद किसान नेताओं ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि किसान यहाँ डटे रहे, किसान बिल्कुल भी अपना मनोबल कमजोर ना करें, किसान को यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है, वो लगातार कह रही है कि इस आंदोलन को इसी तरह से जारी रखा जाएगा। आपको पीछे मंच पर दिखा देता हूँ कि मंच पर मौजूद जो नेता हैं वो लगातार इस बात की बयानबाजी कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ भी, एक पत्ता भी यहाँ से नहीं हिलेगा, कोई किसान यहाँ से पीछे नहीं हटेगा, कोई किसान यहाँ से वापस जाने वाला नहीं है। आप सीधे तस्वीरें देखिए। कोई थाना बचा हुआ नहीं, कोई भी काम होगा प्रशासन यहाँ आया है, प्रशासन बता लिया है कि क्या अच्छा चाहते हैं प्रशासन के लोग। हम हटके जाने वाले नहीं है, शांतिपूर्वक अगर कहना चाहता प्रशासन ये चाहता, हम जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन जेल के अंदर यह आज करेगी नहीं, जिस दिन जेल का ताला खुलेगा उस दिन फिर आंदोलन होगा और ये वतन आपके हवाले साथियों। तो इस बीच आपने मंच पर नेता ने जो कहा वो आपने सुना। मैं भीड़ से बाहर आते हुए आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मंच से नेता लगातार कह रहे थे, मंच से नेता कह रहे हैं कि अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन खत्म करने की बात कह रहे हैं, अगर प्रशासन ये चाहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन खत्म हो, तो वो जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन वो घर वापस नहीं जाएंगे। वो यहाँ से जेल तो जा सकते हैं, अगर प्रशासन कह रहा है कि आंदोलन को खत्म किया जाए तो वो यहाँ से जेल जाने के लिए राजी हैं, लेकिन वो आंदोलन खत्म करने के लिए राजी नहीं है। इसके बाद प्रशासन का क्या रुख रहेगा, क्या रवैया रहेगा, वो आने वाला अभी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मंच से किसान जो संबोधित कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि यहां पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो अपने घर के चले जाएं, जो आंदोलनकारी जो हैं बीते 2 महीने से जो यहां पर डटे हुए थे वो अगर घर चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। वो यहां से जेल जाने को तो तैयार है, लेकिन आंदोलन खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यहां की तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। जितना मैं शब्दों में नहीं बता सकूंगा वो आपको तस्वीरें बताएंगी। तो साफ जाहिर है आदेश, अभी क्या पता, वो तो हम मांग रहे हैं किस आदेश के तहत आप आए हैं, वो आदेश मंगा रहे हैं। अभी हमें नहीं पता क्या आदेश है, लेकिन एक बात जरूर है, इससे पहले जिस तरीके की जो तस्वीरें आई थी वो आप सभी ने देखी थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत भी बाइट दे रहे थे। राकेश टिकैत ने जिस तरीके से बताया, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि जैसा भी जो भी होगा वो प्रशासन से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, प्रशासन से अभी उनका बात होगी, बात के बाद जो कुछ सामने आता है वो आगे जानकारी देंगे, वो मीडिया कर्मियों को इस चीज़ की पूरी जानकारी बाद में देंगे। लेकिन राकेश टिकैत ने नहीं बताया कि उनसे प्रशासन ने किसी तरीके की बात की है, उनसे प्रशासन ने कहा है कि आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन राकेश टिकैत ने इस बात को जाते जाते, जब राकेश टिकैत ने ये बात कही कि जब भी यहाँ से जाएंगे तो आपसे मिलकर जाएंगे, आपको बताकर जाएंगे, ये उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा। लेकिन इस बीच उनकी जो शक्ल थी वो भी सब कुछ बयां कर रही थी कि शायद आंदोलन खत्म होने की कवार है। यहाँ पर बच्चा है जो बहुत उत्साहित नजर आ रहा है, कैसा है, क्या चल रहा है? हम किसान की वो मोदी नहीं मान रहा 3 कानून के लिए, हम मोदी कह रहे हैं सब किसान चले गए, कहाँ गए किसान, सब किसान यहाँ पे हैं। तो देखिए, हौसला जो है वो बरकरार है, जो चीज़ें हैं वो बरकरार हैं। किसान लगातार यहाँ से कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, आंदोलन इसी तरह से चल रहा है। लेकिन प्रशासन जो है, डीएम का आदेश जारी हो चुका है, शासन आदेश निकल चुका है, उन्होंने कहा है कि आंदोलन को खत्म करना होगा, शाम तक का समय है, अल्टीमेटम दे दिया गया है। राकेश टिकैत की मैं बात कर रहा था, राकेश टिकैत के बारे में आपको बता दूँ कि जिस तरीके से जो पूरी बात थी, राकेश टिकैत ने जो पूरी
बात कही थी, उन्होंने जाते जाते जो उनकी शक्ल थी वो बता रही थी कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, कुछ ना कुछ तो उन्हें खराब लग रहा है वो। लेकिन जो उनके शब्द थे, अगर उनके शब्दों पर गौर करें तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि वो यहाँ से जाएंगे तो आपसे मिलकर जाएंगे, आपसे बात करके जाएंगे। लेकिन इसी बीच सरेंडर की भी खबरें आ रही कि राकेश टिकैत सरेंडर भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत पर कल FIR भी दर्ज की गई थी, FIR दर्ज होने के बाद अब खबर आ रही है कि राकेश टिकैत सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे गहमा गहमी और तनातनी की जो खबरें हैं वो गाजीपुर बॉर्डर से आ रही है। मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ, यहीं से आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दूँ सामने मंच है, मंच में किसान है, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं और किसानों के बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल सामने जो आपको बता दूँ मंच के बिल्कुल यहाँ पर पुलिस का फोर्स का बड़ा जमावड़ा है, RF की फोर्स भी मौजूद है। सड़क के उस किनारे तमाम अधिकारी जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। सड़क के उस तरफ आप दिखा सकूँ आपको, सड़क के उस तरफ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जो प्रशासन की जो गाड़ियों का जो जत्था है उस तरफ लगा हुआ है, उस तरफ सैकड़ा गाड़ियां जो है प्रशासन की आ चुकी हैं। उसी के साथ इधर सामने पुलिस और फोर्स भी जो है वो मौजूद है। इसी के साथ क्या कुछ यहां पर होने वाला है, यहां पर हलचल तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर का माहौल जो है वो बिगड़ता नजर आ रहा है, यहां का माहौल गर्म हो चुका है, यहां के माहौल में बहुत तनातनी है, कभी भी किसी भी पल कुछ भी होने की आशंका पूरी जताई जा रही है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से हलचल बढ़ गई है उसके बाद क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन स्थिति जो है वो सब कुछ बयां कर रही है। स्थिति जो है वो बता रही है कि तस्वीरें साफ नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल बढ़ने के बाद से यहाँ पर किसान नेता जो है वो मंच से संबोधित करने का काम कर रहे हैं, वो किसानों से कह रहे हैं कि एकजुट रहिए, और प्रशासन को वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो यहाँ से ऐसे घर नहीं जाएंगे, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो। वो कह रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप सोच रहे हो कि वो घर चले जाएँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेल में जाने की लगातार बात की जा रही है, लगातार किसान नेता मंच से कह रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, वो यहाँ से घर वापस नहीं जाएंगे। घर वापस जाने के नाम पर बिल्कुल इनकार किया गया है, कहा जा रहा है कि प्रशासन अगर यह चाहता है कि आंदोलन खत्म हो तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वो सीधे कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, अगर गिरफ्तार कर सकते हैं तो आंदोलन उस शर्त में खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर चले जाएं तो घर जाने की कोई भी स्थिति यहां पर नहीं है। वो मंच से सीधे इस बात को संबोधित कर रहे हैं, तमाम किसानों को बता रहे हैं कि यहां पर आंदोलन इसी शर्त पर अगर आप चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, दबाव के चलते आप आंदोलन खत्म करना चाहते हैं तो वो आंदोलन तभी खत्म हो सकता है जब आप हमें गिरफ्तार कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कहने से हम घर चले जाएं, यहां से वापस चले जाएं, बोरिया बिस्तरा उठा लें और आंदोलन खत्म करते तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन जो है लगातार यहां पर कह रहा है, प्रशासन कह रहा है कि जल्दी से जल्दी आंदोलन खत्म कर दीजिए, क्योंकि यह आदेश जारी कर दिया गया है, DM की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि शाम तक इस आंदोलन को खत्म करना होगा। ऐसे में क्या कुछ है, यहां पर माहौल गर्म है, यहां पर स्थिति सामान्य नहीं है, यहां पर तमाम तनातनी की जो चीजें हैं वो लगातार बरकरार हैं। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ प्रशासन का आदेश, इस बीच क्या कुछ होने वाला है यह समय बताएगा। लेकिन हम ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद हैं और लगातार आपको हर स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। इस बीच रात का हल्का देखिएगा अंधेरा भी होने लगा है, यहां पर अंधेरे के बाद क्या कुछ होगा यहां पर यह चीज समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शाम तक का जो पहले बताया जाता था उसके बाद बताया गया कि रात तक का वक्त है। रात तक का एक तरीके से अल्टीमेटम जो दिया गया है, अंधेरा होने को आ चुका है, रात भी जल्दी होने वाली है, तो ऐसे में क्या कुछ यहां पर होगा वो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बीते दो महीने से आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से था, लेकिन बीती 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, हिंसा की जो तस्वीरें आई वो पूरे देश ने देखी। लेकिन इन तस्वीरों के चलते आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया, आंदोलन कहीं ना कहीं जो उसकी कमर थी वो उसको तोड़ने का काम किया। 26 जनवरी को जो कुछ हिंसा हुई उसके बाद तमाम किसान नेताओं के ऊपर FIR भी दर्ज की, तमाम किसान नेताओं पर तरह तरह की बातें भी की गई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसके बाद आंदोलन जो था वो धीरे धीरे कम देखने को मिल रहा था। हम कल भी यहां पर गाजीपुर में आए थे, यहां पर हम कल भी गाजीपुर में मौजूद थे, जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो लोग थे, जो किसान थे, उनकी संख्या कम हो गई थी। जो संख्या आज से एक हफ्ते पहले तक हमको दिखती थी वो संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है। अगर आपको स्थिति बताऊं तो स्थिति ये है कि आंदोलन किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, किसी भी वक्त प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है, किसी भी वक्त यहाँ पर दबाव और प्रदर्शन के चलते यहाँ पर कमज़ोर किया जा सकता है आंदोलन। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर एक भाई है, किसान भाई मेरे साथ मौजूद है, ये बताइए क्या कुछ है यहाँ पर, क्या कुछ चल रहा है? सबसे तो पहले सबको मेरी तरफ से नमस्कार। हम लोग यहाँ पे डटे हैं, डटे रहेंगे, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। आदेश जारी हो गया, DM का आदेश आ गया है कि आपको आंदोलन खत्म करना पड़ेगा, अल्टीमेटम दिया गया है। क्यों खत्म करना पड़ेगा, हम लोगों ने क्या किया है? हमारा गुनाह क्या है? हमारी तरफ से शांतपूर्वक धरना यहाँ पे चल रहा है। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब बताई जा रही है। वो तो दोनों तरफ से हुई है ना, हमारी तरफ से नहीं हुई ना। जिसने जो हिंसा की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से, अकेली तरफ से नहीं हुई है।
बिल्कुल। तो देखिए, जो लगातार बातें की जा रही है यहाँ पर, जो किसान भाई मौजूद है वो कह रहे हैं कि स्थिति जो खराब हुई थी वो दोनों तरफ से हुई थी, एक तरफा मामला नहीं था। अगर 26 जनवरी की बात करके यहाँ पर उसका हवाला दिया जा रहा है तो उनका लगातार कहना है कि स्थिति दोनों तरफ से खराब हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक तरफ से स्थिति खराब होने जैसी बात रही हो। लेकिन इसी के साथ आपको तस्वीरें भी यहाँ की दिखाते हुए चलते हैं। आपको बता दूँ, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पहले पूरी भरी हुई थी, पूरी पटी हुई थी, यहाँ पर तमाम किसानों का जमावड़ा रहता था। लेकिन आज जो है, आपको बता दूँ कि आज जो है यहाँ पर खाना बनने की जो प्रक्रिया थी वो चलती थी, लेकिन आज यहाँ पर स्थिति सही नहीं है। यहाँ पे तंबू जो है वो आधे से ज़्यादा गायब बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो पहले टेंट वगैरह दिखते थे वो भी यहाँ पर आज नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही पीछे जो है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कार्यक्रम के बाद जब तैयारियों का माहौल होता है, कार्यक्रम के बाद जब उसको पैक किया जाता है तो पैकअप जैसा माहौल जो है वो यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है। लेकिन स्थिति क्या है, क्या कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा इस देश के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बड़ा होने वाला है और बड़ा क्या होने वाला है वो हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हम यहां ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपको लगातार वो जानकारी देते रहेंगे कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन किसान नेता जैसे कि मंच से लगातार जो अपना भाषण दे रहे हैं वो लगातार बता रहे हैं कि आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए, हमको मौत स्वीकार है, लेकिन हम यहां से हिलने वाले नहीं है। अगर प्रशासन ये सोचता है कि उसके कहने पर, उसके अल्टीमेटम देने से किसान डर जाएगा और घर वापस चले जाएगा, तो ऐसा उनकी सोच गलत है, ये किसान नेता कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन जो है उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन ने साफ कह दिया है कि आपको घर जाना पड़ेगा, आपको बोरिया बिस्तरा अपना पैक यहां से करना पड़ेगा और सीधे अल्टीमेटम दिया है, डीएम का निर्देश है। और उसको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी तमाम डीएमओ को, जितने भी डीएम हैं उनको आदेश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में जो आंदोलन चल रहा है उसको बंद कराया जाए, उसको रोका जाए। इसी के साथ इसी कड़ी में आपको बता दूं कि गाजियाबाद डीएम ने भी आदेश जारी कर कहा है कि आंदोलन समाप्त कराया जाए, आंदोलन खत्म कराया जाए। और इसी कड़ी में आप देखिएगा लगातार जो फोर्स है यहां पर बढ़ती जा रही है, फोर्स जो यहां पर मौजूद है उन्होंने साफ कह दिया है, साफ कर दिया है कि आंदोलन खत्म किया जाए, आंदोलन पर अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इतना तय समय है आपके पास, आप जितनी जल्दी यहां से आंदोलन खत्म कर सकें वो बेहतर है, आंदोलन जितनी जल्दी समाप्त कर सकें वो बेहतर है। लेकिन किसान इस चीज को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ कहा है कि वो आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं किसानों पर। 26 जनवरी के बाद से जो स्थिति बनी, जिस तरीके का जो पूरे देश ने जो मंजर देखा, जिस तरीके का जो एक कलंक सा लग गया देश पर, जिस तरीके से लाल किले पर चढ़कर लाल किले को दाग लगा दिया गया, जिस तरीके से तिरंगे झंडे के नीचे अपना झंडा लगा दिया गया, इन तमाम चीज़ों के बाद जो देश का जो मूड था वो बदल गया था। और भारत एट नाइन में हमने आपको कल भी ये दिखाया था कि जो देश का मूड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और इस मूड चेंज होने के बाद से लग रहा था कि आंदोलन जो है अपनी लास्ट स्टेज पर आ गया, और लास्ट स्टेज के बाद ज़्यादा समय नहीं लगा, उसके अगले ही दिन, मतलब कल का जब हमने आपको ये खबर बताई थी उसके अगले ही दिन माने आज, पुलिस यहाँ मौजूद है, फोर्स यहाँ मौजूद है, आरएफ की फोर्स यहाँ मौजूद है, और गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से भी ऑर्डर दे दिया गया है और यहाँ पर किसानों को पैकअप करने के लिए कहा गया। लेकिन किसान इस बात को फिलहाल तो मानने के लिए राजी नहीं है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है हम लगातार ग्राउंड से दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखते रहिए, तस्वीरें जो कुछ हैं वो आपके सामने हैं। तस्वीरों में आपको किसान नेता दिख रहे हैं जो मंच से संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। स्थिति देखिए क्या हो चुकी है, स्थिति देखिए। आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं राकेश टिकैत जो हैं वो मंच पर आ गए हैं। मंच पर आने के बाद उन्होंने भाषण शुरू कर दिया है, क्या कुछ वो कह रहे हैं सामने सुनिए तस्वीरों में। यहाँ बैठा हम एक बार जाइए नीचे, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, या तो हंजा जा दो नहीं तो सारे विधायक घर पे आ गए, जल्दी कोशिश करूंगा मैं, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रहे थे यहाँ पर डंडा फिर मैंने कोशिश करे, कोई गिरफ्तार नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तार नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा, मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। तो इसके साथ यहाँ मंच पर तस्वीर बदल गई है, मंच पर माहौल बदल गया है। राकेश टिकैत ने मंच से कह दिया है कि वो गिरफ्तारी देंगे, हट जाड़ राकेश टिकैत गिरफ्तारी देंगे, लेकिन इसके बाद स्थितियां खराब हो गई हैं, स्थितियां बिगड़ गई हैं। एक मिनट रुक जाओ,
हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे, हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। लेकिन क्या कुछ ब्रकेस्ट गए जो हेमंत से कह रहे हैं, उसके बाद आप लगातार तस्वीरें देखते रहिए, लगातार सुनते रहिए। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं, हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे गोली चलाओ खाली नहीं करेंगे रास्ता, रास्ता ले रहे यहाँ पर सरकार से बात होगी, कोई धरना खाली नहीं होगा। गलत चीज है, बीजेपी के लोग यहाँ पे, यहाँ के लोगों को मरवाया काम कर रहे, जो सरदार लोग यहाँ तक पहुंचे हुए बाहर जाए उनको पिटवाने का काम कर रहे, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इधर आ चलो, बाहर चल, बाहर चल इंद्र। एक गांव के लोग तैयार होकर आ जाओ, गांव में पांच के लोग तैयार हो पाए, इन्हें कटौत करेंगे लोग यंत्र। अपने लोग अपने टैंक सुरक्षित रखो, अपना पहरा सुरक्षित रखो, गोलियां चलेंगे गोलियां खाएंगे। चल निकल रहे पता नहीं कौन है, बीजेपी के ही होंगे। अपने लोगों को ठीक रखो, धरना ये चलेगा, हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। जो भी बात है हम कल दिन में बात करेंगे, अपने लोगों के बीच में बात करेंगे। हमें जिम्मेदारी है हमारे लोग कैसे घर तक सुरक्षित जाएंगे, इनको रास्ता दे दो। मतलब प्रशासन यहाँ पे, प्रशासन यहाँ पे बीजेपी के विधायक नीचे, ये गुंडागर्दी चलने की। इस बीच आपको बता दूं कि प्रशासन के जो लोग हैं, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो लोग हैं, उनको भी मंच से हटा दिया गया है, उनको गुंडे बने हैं, मुझे दिखाओ यहाँ, उनको भी मंच से जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ देखिए जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, उनको भी यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। आप देखिए पुलिस के अधिकारी जो है उनको मंच से हटा दिया गया है, उनको पुलिस के प्रशासन के अधिकारियों को ठीक है, ठीक है, उस पर आ रहा है। और इस बीच आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डीएम साहब है उनको सिर से जाने के लिए कहा गया है, लेकिन इस बीच यहाँ पर गहरे पेरे के बीच वो यहाँ से ले जाए जा रहे हैं। वो क्या कुछ कहेंगे, उन्होंने कहा है आगे जाकर वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इस बीच वो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए उनको आगे भेजा जा रहा है और आगे जाकर बाइट करने की बात कही जा रही है। इस बीच हम लगातार डीएम के साथ है यहाँ पर, उनके इस बीच डीएम क्या कुछ कहेंगे वो देखना बहुत अहम हो जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे? हमने अभी, आप सुन लीजिए, हमने उसको सीआरपीसी 133 का नोटिस अभी मैंने दिया है, और पहले नोटिस ही दिया जाता है, उसके बाद उनसे हम बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो आपने जो कुछ यहाँ पर कहा गया वो आपने यहाँ पर सुना, जो कुछ यहाँ पर डीएम साहब ने कहा, तस्वीरें क्या है वो बताई जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से आलाधिकारी को मंच से जाने के लिए कहा गया, ये तस्वीरें अब आंदोलन में बहुत बड़ा एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर क्या कुछ नई तस्वीरें आएंगी उन पर भी लगातार बात होगी, उन पर भी क्या बात होगी वो भी निकल कर सामने आता रहेगा, लेकिन स्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। यहाँ पर प्रशासन ने जो कहा था कि रात तक का समय है, अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ने मंच से साफ कह दिया है
कि वो यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, गिरफ्तारी देने को तैयार है, लेकिन अगर वो सोचते हो कि वो घर जा सकते हैं तो वो घर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको प्रशासन दिखा देता हूँ, पीछे जो है पूरा प्रशासन मौजूद है और यहाँ क्या कुछ आगे की तस्वीरें होंगी वो बहुत अहम होगा देखना। यहाँ पर आला अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है, 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है, आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है, इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे, ये है बस। अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। भाई जो नोटिस दिया गया क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो? तो देखिए, तो ये आपने जो भी देखा उन्होंने साफ कह दिया है, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर रास्ता ब्लॉक हो रहा था, उस वजह से जो चीज़ें थी वो सामान्य नहीं थी, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा वो आगे इस पर बताएंगे। इसके साथ ही अल्टीमेटम के सवाल पर वो बिफर गए, उन्होंने कहा कि नोटिस दिया गया उसके बारे में आपको पता है, आप क्रॉस क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है, जो यहाँ पर प्रशासन की जो टुकड़ियाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस जो यहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो पूरी बंदोबस्त के साथ यहाँ पर तैयार हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, डंडे हैं उनके हाथों में, पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है प्रशासन की तरफ से। लेकिन डीएम से जिस तरीके से बात नहीं की गई, उन्हें मंच से उतरने के लिए कह दिया गया, उसके बाद क्या कुछ होता है, चीज़ें किस डायरेक्शन में जाती हैं, ये हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आपको ये सब चीज़ें बताते रहेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर डेडलॉक की स्थिति बन गई है, क्योंकि एक तरफ सड़क के एक तरफ हो चुके हैं किसान और सड़क के दूसरी तरफ हो चुके हैं यहाँ पर पुलिस के लोग। यहाँ पर पुलिस जो है पूरी मौजूद है, यहाँ पर पुलिस के लोग जो है पूरी मौजूद हैं, सड़क के एक तरफ किसान, सड़क के एक तरफ पुलिस। मामला बहुत गंभीर हो चुका है, परिस्थितियाँ जो हैं अब सामान्य नहीं, चीज़ें जो हैं वो अलग हो चुकी हैं। लेकिन इतनी संवेदनशील मामले में, इतनी संवेदनशील, जब ये सड़कें इतनी संवेदनशील हो गई हो तो आगे क्या कुछ होगा वो आने वाला समय बताएगा। और यहाँ पर इस डेडलॉक की स्थिति में, जहाँ एक तरफ पुलिस है, जहाँ दूसरी तरफ किसान है, आगे क्या कुछ होगा हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। कल दोबारा इसी समय पर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ और नई बात पर। तब तक आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।